लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में जब से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की छूट मिली है, तब से राज्य में वैक्सीन कम पड़ने लगी है। इसे लेकर आज एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे ने कहा कि राज्य में मांग के अनुसार केंद्र सरकार से कोविड वैक्सीन नहीं मिल रही है, इसलिए टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ी संख्या में नागरिक वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं होने से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। शशिकांत शिंदे ने मोदी सरकार से महाराष्ट्र के लिए ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराने की अपील की है। 1 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की मांग बढ़ गई है। हालांकि मोदी सरकार महाराष्ट्र में वैक्सीन भेजने में पक्षपात कर रही है, जिसका खामियाजा टीकाकरण अभियान पर पड़ने लगा है। यह आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शशिकांत शिंदे ने आज नई मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाने और कोरोना को रोकने की बात करती है और दूसरी तरफ मांग के अनुरूप कम वैक्सीन दे रही है। शशिकांत शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन वहाँ वैक्सीन कम है या तो नहीं होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। राष्ट्रवादी नेता ने मोदी सरकार से महाराष्ट्र के लिए ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की। केंद्रीय मंत्र्यांनी फक्त महाराष्ट्रावर टीका करायची किंवा केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये आरोग्य मंत्री असतील, वित्त मंत्री असतील, जे महाराष्ट्रातून केंद्रामध्ये गेलेले मंत्री आहेत, ते केंद्रामधून जास्त पुरवठा देण्याच्या ऐवजी फक्त जर महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारवर टीका करत असेल तर याच्यासारखं दुर्दैव नाही आहे। रुग्णसंख्या जिथं जास्त आहे तिथं पुरवठा द्यायच्या ऐवजी इतर राज्यामध्ये देऊ नका असं म्हणत नाही आम्ही, परंतु ज्यावेळेला राज्य सरकार आणि हे कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहे, हे नियंत्रणाखाली आहे केंद्र सरकारच्या। डायरेक्ट आम्ही सिरमच्याकडून आम्ही लस घेऊन इथं महाराष्ट्रामध्ये वाटू शकतो का? नाही। सगळ्या लसीचं नियंत्रण आणि कंट्रोल त्याचे वाटपाचे अधिकार हे केंद्राकडे आहे। पूर्ण केंद्राच्या सचिवांपासून सगळेजण या गोष्टीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात। अशा प्रकारचे नियमावली असताना राज्य सरकारकडे बोट दाखवणं चुकीचं आहे। इस अवसर पर माथाड़ी नेता ने नई मुंबई की एपीएमसी मंडियों में कोरोना विस्फोट की आशंका को देखते हुए ज्यादा एंटीजन टेस्ट कराने की भी मांग की। शशिकांत शिंदे ने कहा कि हमने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मांग की है कि वे एपीएमसी मंडियों में ज्यादा टेस्ट करवाएं ताकि कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिले। मला वाटतं की नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये टेस्टिंग जास्त होत आहे, त्याच पद्धतीने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची सुविधा आणि काळजी घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि ज्या ज्या सुविधा देण्याच्या बाबतीत मला निर्णय घ्यायला लागतो त्या त्या पद्धतीने निर्णय घेतला जातोय। काही यंत्रणा कमी पडत असेल तर त्यामध्ये निश्चितपणाने प्रशासन चांगलं काम करेल, त्यांना काही सूचना असतील तर आम्ही करू। एमसीमध्ये येणारा जो घटक आहे तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे, तरी सुद्धा काल आम्ही माझ्या माहितीप्रमाणे 200 टेस्ट होत होत्या। आम्ही विनंती केली महानगरपालिकेला की निदान प्रत्येक मार्केटमध्ये 1000 टेस्ट झाल्या पाहिजे, अशा प्रकारचं आम्हाला सहकार्य करावं आणि त्यांनी त्या पद्धतीची विनंती मान्य केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।